नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्नोलॉजी टीवी में। और अभी की सबसे बड़ी जो खबर सामने आई है दोस्तों, वो यही है कि आपके लिए करीबन 2 बजे MPEG-2 को लेकर ई ऑक्शन की शुरुआत होने जा रही है। और यहाँ पर सभी के मन में एक ही सवाल बना हुआ होगा कि आखिर चैनल्स कौन से जीतने वाले हैं या फिर कौन कौन से चैनल्स ने यहाँ पर जो इस बार पार्टिसिपेट किया था। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर करीबन 60 से 70 चैनल्स के नाम सामने आए थे जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वो स्लॉट जीतेंगे या नहीं वो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे ही ये ऑक्शन कंप्लीट होगी तो जो चैनल अच्छी खासी बोली लगा देगा दोस्तों, वही चैनल आपके लिए पूरे एक साल के लिए 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक देखने को मिलेगा। अगर इसी बीच अगर कोई चैनल विड्रॉ भी करना चाहे तो उसे पूरी इजाजत होगी, कोई भी चैनल छोड़कर भी जा सकता है। तो यहां पर दोस्तों बताना चाहूंगा कि कुछ चैनल्स के जो नाम है हम आपको बताने वाले हैं, उनके जो अभी भी आपको डीडी फ्री डिश में देखने को मिल रहे हैं। काफी लोगों के मन में यही सवाल होता है ना कि चैनल जो है कौन से नए आएंगे, लेकिन हम आपको ये बताने वाले हैं कि कौन से ऐसे चैनल है जो कि अभी भी आपको देखने को मिल रहे हैं और आगे एक साल और आपको देखने को मिल सकते हैं जिन्होंने इस बार भी पार्टिसिपेट कर लिया है। तो देरी नहीं करेंगे, सीधा आपको ले चलते हैं टीवी स्क्रीन की ओर और वहां पर आपको एक एक करके उन सभी चैनल्स को दिखा देते हैं। बाकी चैनल पहली बार आए थे तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जरूर मिले। तो दोस्तों सीधा आपको मैं टीवी स्क्रीन की ओर लेकर आ चुका हूं और यहां पर हम उन चैनल्स को देखने वाले हैं जिन्होंने एक बार फिर से डीडी फ्री डिश में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने एप्लीकेशंस को सबमिट करना शुरू कर दिया है। जिसमें सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे प्राइवेट चैनल्स में, तो जी अनमोल का नाम सामने आया है। जी ग्रुप का दोस्तों जनरल एंटरटेनमेंट चैनल है, अभी भी देखने को मिल रहा है और आगे भी कंटिन्यू आपको मिलने की पूरी उम्मीद है, इसने पार्टिसिपेट कर लिया है। अब जी ग्रुप ने भी दोस्तों यहाँ पर पार्टिसिपेट कर लिया है जिसमें अब जी मूवीज, अब जी कूल भी शामिल है। बी फॉर यू ग्रुप की बात करें दोस्तों, तो बी फॉर यू ग्रुप ने भी पार्टिसिपेट कर लिया है अपनी हिंदी मूवीज में, बी फॉर यू मूवीज और बी फॉर यू कड़क को पार्टिसिपेट करवाया है। गुड न्यूज टुडे ने दोस्तों पार्टिसिपेट किया है, बी फॉर यू भोजपुरी ने पार्टिसिपेट किया है। ढिंचक ने दोस्तों अभी तक कुछ कन्फर्मेशन नहीं आई है ढिंचक को लेकर किसने पार्टिसिपेट किया है या नहीं। बाकी आपको जी गंगा की बात करें तो जी गंगा ने पार्टिसिपेट कर लिया है। आपका फिल्मची भोजपुरी ने दोस्तों पार्टिसिपेट करने की खबर सामने आई है। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें तो आपका शुमारू टीवी ने भी सक्सेसफुली यहां पर पार्टिसिपेट कर लिया है, दंगल ने भी पार्टिसिपेट कर लिया है, भोजपुरी सिनेमा ने कर लिया है, जी बायोस्कोप ने कर लिया है, स्टार उत्सव ने भी पार्टिसिपेट किया है, अपने एप्लीकेशन को सबमिट किया है, द क्यू चैनल ने पार्टिसिपेट किया है, करण सिनेप्लेक्स बॉलीवुड के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है, आजाद को लेकर भी दोस्तों अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है। बाकी अगर हम बाकी चैनल्स के बारे में बात करें तो यहां पर सोनी पल ने भी पार्टिसिपेट किया है और साथ ही साथ दोस्तों आपके रिश्ते सिनेप्लेक्स ने भी पार्टिसिपेट किया है, करण रिश्ते ने भी पार्टिसिपेट किया है, बी फॉर यू कड़क आपको मैंने बताई दिया जानकारी, मनोरंजन टीवी ने भी पार्टिसिपेट किया है, टीवी भारतवर्ष ने पार्टिसिपेट किया, जी अनमोल सिनेमा ने पार्टिसिपेट किया है, एनडीटीवी इंडिया ने किया है। ढिंचक 2 के बारे में कोई जानकारी नहीं आई अभी तक, एंटरटेन ने दोस्तों पार्टिसिपेट कर लिया है, साधना ने भी पार्टिसिपेट किया है, संस्कार ने भी किया है। बाकी दोस्तों बात करें आपके बिग मैजिक की तो उसने भी पार्टिसिपेट किया है, न्यूज 18 इंडिया ने किया है और दोस्तों 9XM के बारे में कोई जानकारी नहीं है, महा मूवी के बारे में जानकारी नहीं आई है। आपके जी हिंदुस्तान ने पार्टिसिपेट कर लिया है, मस्ती ने भी कर लिया, बी फॉर यू म्यूजिक ने भी कर लिया है, इंडिया टीवी ने भी कर लिया है और न्यूज नेशन ने भी कर लिया है। वी फ्लिक्स ने दोस्तों पार्टिसिपेट नहीं किया, इसने MPEG-4 में स्लॉट जीत लिया है। रिपब्लिक भारत ने दोस्तों पार्टिसिपेट कर लिया है, आज तक ने भी कर लिया है, एबीपी न्यूज ने कर लिया है और आपके जी ग्रुप के जब भी मेजर चैनल्स ने जैसे कि जी चित्र मंदिर, जी न्यूज, जी पंजाबी सभी ने पार्टिसिपेट कर लिया है। शो बॉक्स के लिए दोस्तों अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। और अगर हम चैनल्स के बारे में बात करें तो आपका स्टार उत्सव मूवीज ने भी पार्टिसिपेट कर लिया है, मनोरंजन मूवीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिंग ने भी दोस्तों पार्टिसिपेट कर लिया है यहाँ पर। और बाकी अगर हम बात करें तो MTV बीट्स की भी खबर सामने आई है, फक्त मराठी को लेकर कोई सूचना नहीं है, बाकी आपके सन मराठी को लेकर भी जानकारी नहीं है, शुमारू मराठी बाना ने भी पार्टिसिपेट कर लिया है। दोस्तों ये कुछ चैनल्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट सक्सेसफुली कर लिया है जो कि अभी भी आपको देखने को मिल रहे हैं MPEG-2 में।